बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फाहरा और आप देख रहे हैं फाहरा कुकिंग टीवी। आज हम बना रहे हैं आलू के वेजिटेबल कबाब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चले बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो आलू लिए, आलू बॉईल करके मैंने मॉइश कर लिए। थोड़ी सी बंद गोभी ली, उसको इस बारीक कटिंग कर लिया। छोटा एक प्याज लिया, उसको भी कटिंग कर लिया। थोड़ी सी सब्ज़ धनिया, एक शिमला मिर्च बारीक इस तरह कटिंग कर ली, और एक गाजर उसको मैंने कद्दूकश कर लिया, और दो सब्ज़ मिर्च कटी हुई, हाफ चम्मच नमक, हाफ चम्मच काली मिर्च, हाफ चम्मच सुरख मिर्च, हाफ चम्मच दड़ा मिर्च, हाफ चम्मच गर्म मसाला, हाफ चम्मच ज़ीरा और हाफ चम्मच धनिया पाउडर, और एक चम्मच चाट मसाला और दो अदद अंडे। इसमें आलू में हम ऐड करेंगे बंद गोभी, सब्ज़ मिर्च, प्याज, सब्ज़ धनिया, शिमला मिर्च और गाजर। धनिया पाउडर, ज़ीरा और गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे दड़ा मिर्च, सुरख मिर्च, काली मिर्च और नमक, और एक चम्मच चाट मसाला। अब हम हाथ की मदद के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हल्का सा हाथ को इस तरह पानी लगाएंगे और इसको इस तरह हम टिक्की में तैयार कर लेंगे। और इसी तरह हम सारी तैयार कर ली। अब हम तलाई करेंगे। अंडे हम अब इस तरह कटोरी में डाल लेंगे तोड़ के। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स हो चुका, टिक्की लेंगे, अंडे में हम इस तरह डिप करेंगे। और इसको ऑयल हमने गरम कर लिया, फिर से टिक्की लेंगे, और इसी तरह हम सारी टिक्कियों को अंडा लगा के तलाई करेंगे। फ्लेम हमने लो मीडियम रखा। 1.5 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करने लगे। चार मिनट के करीब मैंने टिक्कियाँ तलाई की हैं। अब हम बाइन कर लेंगे। और इसी तरह हम सारी टिक्कियाँ तलाई कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।